भराइस में पानी टंकी चौराई के निकट 11,000 की विद्युत लाइन के तार कटते समय ठेकेदार द्वारा प्राइवेट मजदूरों द्वारा बगैर सुरक्षा के कार्य करवाए जाने से गुड्डन पुत्र सलीम मोहम्मद गोसियाना दरगाह की मौके पर ही मौत हो गई। पर जिला प्रशासन व विद्युत विभाग के किसी के न पहुंचने पर परिवार व लोगों में आक्रोश छा गया। उनका मानना है कि हम गरीब हैं, इसलिए कोई हालचाल लेने नहीं आया, न ही कोई मदद मिली। मोहल्ले वालों पर भरोसा है कि पोस्टमार्टम के बाद मोहल्ला में पहुंचने पर एक बार फिर बढ़ सकता है जन आक्रोश। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज।